मॉर्निंग रिलेशनशिप्स फॉर हायर एंजॉयमेंट, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। फिजिकल रिलेशनशिप मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप कब रखना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारा मटेरियल उपलब्ध है, स्टडीज उपलब्ध है। मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो रात को थकने के बाद, सब काम धंधा करने के बाद में बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे और फिर रात को बेड पर सोने के लिए जाएंगे, उस समय फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं। एक्चुअली वो टाइम सही नहीं है। अलग अलग स्टडीज़ में ये पाया गया है कि सुबह का जो टाइम है, मॉर्निंग टाइम, वो बहुत अच्छा रहता है। उसमें फिजिकल रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, एन्जॉयमेंट अच्छा हो सकता है, इरेक्शंस ज़्यादा होते हैं और वो टाइम बेस्ट टाइम है। इटली में एक स्टडी की गई, उसमें उन्होंने ये स्टडीज़ में निकाला कि 5:48 का जो सुबह का टाइम है इटली टाइम के मुताबिक, तो वो टाइम बेस्ट है। और उन्होंने स्टडीज़ में ये पाया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है, मतलब मेल सेक्स हार्मोन जो है, उसकी जो लेवल है वो एकदम उच्चतम रहती है। क्या होता है कि सुबह रोज मतलब उठते हैं तो लोग फ्रेश रहते हैं, विचार कम रहते हैं, स्ट्रेस कम रहता है, थकान पूरी निकल जाती है क्योंकि अच्छी नींद हो जाती है 7-8 घंटे की। और फिर जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश है, ताज़ातर हो जाए तो फिर सेक्स अच्छा हो सकता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये लिखा है कि जो सूर्योदय होता है तो सनलाइट से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा होती है उस समय, और उस समय ज़्यादा आनंद आपको मिल सकता है। लंदन न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट लंदन के ग्रॉसमन, उन्होंने लिखा है उनके रिसर्च में कि मॉर्निंग इरेक्शंस जो है वो हफ्ते में 2-3 बार सुबह आते रहते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होती है और चांसेस ये है कि 7 दिन में आपको 2 या 3 दिन कम से कम इरेक्शंस, मॉर्निंग इरेक्शंस आते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होती है और उस समय यदि आप सेक्स करते हैं तो उस समय आपको बहुत एन्जॉयमेंट मिल सकता है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि करीब करीब 25-50% हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन वेयर फाउंड इन द ब्लड, मतलब 25-50% ग्रोथ हाई लेवल्स टेस्टोस्टेरोन की, मतलब सेक्स हार्मोन्स की पाई गई ब्लड में सुबह के समय। इसलिए सब रिसर्च, सब स्टडीज क्या बताती है, एक ही बात है कि यदि आप सुबह सुबह करते हो सेक्स तो उस समय टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, आप एकदम फ्रेश है, एनर्जेटिक है, विचार कम है, स्ट्रेस लेवल कम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा है, और उस समय फिजिकल रिलेशनशिप आप करते हैं तो उसमें ऑर्गेजम मतलब एक उच्चतम जो लेवल है सेक्स की, एक हाइटन जो एक्साइटमेंट है वो सबसे ज़्यादा उस समय मिल सकती है। इसलिए फिजिकल रिलेशनशिप इन द मॉर्निंग टाइम्स जो है वो बेस्ट है और सुबह सुबह करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा ये थक के, मतलब मैक्सिमम लोग जो हमारे पास में आते हैं वो लोग ऐसे आते हैं कि कोई इरेक्शन आया नहीं। मैं बोलता हूँ कि भाई आपने सेक्स कब किया, बोलते हमने रात को 11:30-12 बजे। मतलब इतना लेट क्यों, नहीं हमको बिजनेस से घर पे आते आते ही 9:30-10 बज जाते हैं, फिर आने के बाद में वाइफ गर्म करेगी खाना, फिर थोड़ा टीवी देखेंगे, बाद में 10:30-11, 11:15 बजे तक खाना खाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा खाना होने के बाद में फिर 12:30-12 बजे जाएंगे, तब तक औरत भी थक जाएंगी, ये भी खुद भी थका हुआ है, और अभी सेक्स करना है करके करते हैं और उस समय फिर इरेक्शन आता नहीं है, क्योंकि दिन भर की थकान, दिन भर का स्ट्रेस, दिन भर का टेंशन, फिर ज़्यादा खाना खाने से फिर पेट में गड़बड़ी है और उस समय फिर सेक्स होता नहीं, और फिर लोग बोलते कि अभी हमारी उम्र हो गई, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। फिर औरत बोलती वैसे भी तो तुम्हारी उम्र बड़ी है, अपने बच्चे भी बड़े हो गए, अभी ये क्या उम्र है क्या, और ऐसे निगेटिव इम्पल्सेज अंदर जाते हैं और निगेटिव थिंकिंग से फिर और ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसलिए रात का सेक्स जितना हो सके उतना डालना चाहिए, सुबह का सेक्स जो है वो बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।